वेलकम बैक टू एनपीआर की गोल्ड इंडस्ट्री फ्रेंड्स। बहुत दिनों के बाद आपके द्वार पर हमारी वीडियो लेकर आपके फिर से हाजिर है। आज की वीडियो का फ्रेंड्स टॉपिक कुछ अजीब सा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूतों प्रेतों में विश्वास नहीं करते, बट पीरों में जरूर विश्वास करते हैं कि पीर ऐसे होते हैं, पीर वैसे होते हैं, ये बहुत करनी वाले होते हैं, ये अपना कहना माना मनाना जानते हैं, या फिर बहुत सारे लोग इनके चिराग जगाते हैं और इनसे डरते हैं। तो मैं तो वैसे शुरू से ही इस बात के खिलाफ हूँ कि ये ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, सबसे बड़ा सतगुरु नानक ही होता है। तो अध्यापक होने के नाते मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इन पर बिलीव करते हैं और इनके चिराग बालते हैं और इन सब पर विश्वास करते हैं। तो मैं किसी भी धर्म को बुरा ना बोलते हुए उन्हें कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कहता, बट अध्यापक की एक पूरी कोशिश होती है कि अपने स्टूडेंट्स को वही सिखाए जो सही है, जहाँ जिसकी कोई हिस्ट्री है उसके बारे में बताया जाए। इन पीरों की कोई हिस्ट्री नहीं है और ना ही इसका कोई अस्तित्व है, पर फिर भी लोग इन पर क्यों विश्वास कर रहे हैं जब इसका कुछ है नहीं, कुछ ये नहीं, फिर लोग इन पर विश्वास क्यों करते हैं? ऐसे कुछ सवालों के जवाब मुझे तब मिले जब अनंत ईश्वर दरबार बदनी कला ठाठ दे महान संत बाबा जोरा सिंह जी, जो ही श्री गुरु नानक देव जी दे परम पूजनीक इंसान है, तो जब उनके द्वार पर एक औरत आई जिसके अंदर इन पीरों का वास था, वो इनसे नहीं छूट रहे थे, तो लोग सब डरते फिरते हैं कि पीर ये है, पीर वो। अब वहां देखने को मिला कि पीर क्या है, कहां तक है इनकी लिमिट और कहां तक ये अपना करनी दिखा सकते हैं। क्या श्री गुरु ग्रंथ साहिब इनके नीचे है या श्री गुरु ग्रंथ साहिब इनके ऊपर है या फिर यही सब कुछ है? तो नहीं, इसका जवाब वहां मिला जाता है जब एक औरत के अंदर, जब बाबा जी उनके समक्ष आए उस औरत के, तो उसके अंदर जो पीर था वो सिर झुकाने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि गुरबाणी और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी एक ऐसे महान आत्मिक जोत है जुगो जुग अटल। साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्रता के अगे ना ही कोई डैथ, ना कोई शक्ति, ना कोई किसी तरह का कोई भी वशी टोटका नहीं चलता। तो वो कहानी सच हुई अनंत ईश्वर दरबार बदनी कला था। आइए देखते हैं क्या हुआ उस पीर का श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में बैठे महान संत बाबा जोरा सिंह जी दे कोल की। ये सारी स्टोरी खुद देखो। ਜਵਾ ਠੀਕ ਆ ਪਾਸ਼ਾ, ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਿਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬੋਲਤਾ ਹੂੰ ਜੋ ਆਪ ਬੁਲਾ ਲੇ ਤੋ ਬੋਲ ਲੇਤਾ ਹੂੰ, ਅਬ ਕੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ 150 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੇਤ ਜੀ ਨੂੰ ਐਸੇ ਫਿਰ इनके घर के पीछे कब्रें थी, आपको पता है पक्का, खाली ब्याह है, उसमें कोई बसता नहीं है, ना ना, जो बसा है उजड़ाई है। पर आपकी मेहर थी, जब से घर इस घर में आए थे ना पाशा, आपको पता था हमें तुम दृष्टि से पीछे कर देते थे, पर तेरे तो पता है मुसलमान कैसा होता है,
कोई कोई नरवैर था, कोई कोई क्रोधी था, वो तंग करता था। हाँ, मेरा नारसिंह अली, अली हाँ, चार तीन थे, चौथा मैं कब्र, कब्रों से मैं चार हूँ, पीरों से पीर चौथा मैं बस। हाँ गए, आप जानते हैं साई, हाँ सिर्फ एक मुसलमान सिवा और सभी की गति की, अब एक भूतों की तो गिनती नहीं है, वो तो तुम्हें पता है कितनी प्रेतें थी इस घर में, मुसलमान 10-12 थे, जे भी आप जानते हैं। बार से दिखते दिखते अखे तरस गई थी कोई पूरा मिल जे, बस अल्लाह खुदा, बस अल्लाह खुदा, खुदा करता करता बोला था, मैं बोला, मैं भोला बंदा पीर भोला, हाँ जेड़ा क्रोधी हंकारी सी उसकी गति नहीं हुई साई, आप दृष्टि नहीं पाते थे जब हम आते, नहीं मजाई में तो बोला बोला मुसलमान पीर था, हाँ फेरी थी, और जिस हंकारी की हम संगत करते बड़ा था हमसे सबसे पीर बाबा, हाँ वो जैसे काम आप करता था वैसे ही हमको करवाता था, पर हम फिर भी डाल जाते थे, वो डालता नहीं, चल नहीं पीते, हाँ वैष्णो सी गए, पर हंकारी हाँ, मक्के क्या जाते जो गुरु हमारी गति नहीं कर सकता था, पूरा नहीं सी, हाँ पूरा नहीं, ओ अर्जुन दरगाह नहीं ना दे देता, इतने सुख दे देता वो, दरगाह के सुख नहीं दे देता, साच खंड नहीं बचा सकता वो, हाँ हाँ ना एक कला तो बस इस गुरु नानक के पास है नरवैर के, हमारे गुरुओं में नरवैरता नहीं थी, नहीं तो घाटा खाता है साई, तेरा ब्याह नहीं हुआ, ब्याह हुआ था, हाँ बच्चे का नहीं, बच्चे नहीं थे, नहीं थे, नहीं हुआ था, हाँ बच्चे का नहीं, बच्चे नहीं थे, नहीं थे, नहीं मुसलमानी अली, अली नहीं नहीं उसका नाम तो बहुत है, कबीरा 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 थी वो, हाँ बस एक बाबा जी देखो सादी तरदा तुसी उदन कर दी थी सानू पता है, पर ये तो बेचारे गरीबों को खुशियां दीजिए, सानू पता है आपने मोर लगा दी थी उस दिन, हाँ अली नर 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 कहते थे, उधर दांत ना ले ले लूं तुम ले लूं, हाँ हो जे इस वो के बाबा जी बहुत भूते कटी आपने, इतनी भूते थी इस घर में, मुसलमान इतने थे, इतने मुसलमान बाबा जी बड़ा टुक्की बेले के थे, ये सब पिंड बहुत दुखी है, दुआ है हमारी पिंड बहुत दुखी है, सारा पीरों का ही है, पीरों सब लोग पीरों को मानते, एक घर है ये पीर को नहीं मानता, बस सब हाँ सब चिराग जगाते हैं तभी सुख लेते हैं, नहीं सुख नहीं देते, साले मानते को भी नहीं सुख देते, जेडे मानते उन्होंने भी नहीं सुख देते, और किसी को क्या दे देगा, सब हाँ सब चिराग जगाते हैं तभी सुख लेते हैं, नहीं सुख नहीं देते, साले मानते को भी नहीं सुख देते, जेडे मानते उन्होंने भी नहीं सुख देते, और किसी को क्या दे देगा, सुख नहीं देता, क्या आपने क्या पता नहीं साई, अब क्या है बाबा हरनाम सिंह, बाबा नंद सिंह, बाबा ईश्वर सिंह, जब बाबा नंद सिंह जहाँ जी नंगते थे ना बाबा जी हमारी रूंगा फकार कर दिया थी, हाँ नाने दर्शन भी करते थे, पर हमारे इतने कर्म नहीं थी, पहचान नहीं आई थी,
पहचान आई तो आप आई है। पूछ वाले के तो नहीं बाबा के दर्शन किए, बाबा नान सिंह के किए, बाबा ईश सिंह की महिमा सुनते थे, पर हम पकार करते थे। हाँ प्रेत के सी ना कोले जाने नहीं, बाहर जा जाते थे बाबा जी, तुझे पता है रूह कितनी फकारे करती है। सच बोलते हैं, फकार हमारी भी थी, जब इन्होंने घर लिया था ना, वो हमें बहुत चाह हुआ था भी हम पूरा मिला है, बहुत चाह हुआ था भी पूरा मिला है, हम हमारी इस घर में गति हो जाएगी। बाबा जी इतने घाटे चल ले, इतने दुरा मिला है, हम हमारी इस घर में गति हो जाएगी। बाबा जी इतने घाटे चल ले, इतने दुख चल रहे, हम पैसे ही खा जाते थे इनके दांतों से, इसकी दादी को दिसते थे, कब्रों से बोलते थे, ते सिर ते सोना सिमरन वाला हाथ था आपका, इसलिए जे बाज गए, नहीं कब्रों कौन हिला सकता है, आपको पता है ना साईं, हमें घर से गाड़ देते हैं, हर कोई और घर भेज देते हैं, हमारी कब्र नहीं कोई हिला सकता है, जो आपको पता है मुसलमान कूता होता है मुसलमान, कब्र नहीं कोई हिला सकता, मुसलमान के पूठा कर देता है, पर पूरा मिल जाए ना साईं, पूठे दे भी सीधा कर देता है। बस दुआ है, बस साथ है, हर खुशी बख्शी दी है इस परिवार को, दुआ मुसलमान की साथ है, खुशियां बस खुशी, फर्क है फर्क। तो वेल फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे उस पीर ने अपने मुख से खुद सब कुछ बोला। आपने सुना कैसे एक लेडी के अंदर वो पीर आया और उस पीर ने अपनी पूरी गलती बाबा जी के समक्ष स्वीकार किया और उस लेडी के घर को छोड़ने का फैसला किया। तो फ्रेंड्स, ये एक मजबूरी होने के नाते बहुत सारे लोग इन्हें मान रहे हैं, जिन्होंने लोगों ने अपना छुटकारा इन पीरों से कराना है, उन्हें बताइए आनंद ईश्वर दरबार बदनी कला ठाठ बरनाला दे नियर है मोगा डिस्ट्रिक्ट दे विच। वधेरे जानकारी दे लई इन्हां दी साइट ते विजिट कीती जा सकती है, आनंद ईश्वर दरबार बदनी कला ठाठ, उत्थे जाके उन्हां लोकां नूं अपने इन्हां पीरां तों छुटकारा मिल सकता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी दे विच बैठे संत बाबा चूरा सिंह जी कोल नानक पातशाह ने कुछ बख्शियां दातां दे विच्चों उन्हां नूं इन्नी कु शक्ति बख्शी है कि वो आम इंसान नूं इहो जिहियां चीज़ां तों छुटकारा दे सकदे, क्योंकि कहा जांदा है कि कदी कदी जो काम परमात्मा खुद नहीं कर सकते वो काम उन्हां दे नेक शुद्ध हिरदे वाले बंदे कर दिंदे। सांझीवालता दा सबूत दिंदे होए बाबा चूरा सिंह जी अज भी उस स्थान ते विराजमान ने। बाबा आनंद सिंह जी इन्हां दे मामा जी सन, ते उन्हां तो ही इन्हां ने सारी जिहड़ी है गुरमत सिख्या लई। अज महान तप करदे होए मानव जात दा कल्याण करदे होए ओ गुरु साहब अते साडे परम पूजनी संत बाबा चूरा सिंह जी अपनी ड्यूटी निभा रहे ने। जिहड़े भी लोग इन्हां तो पीड़ित ने उन्हां नूं ये वीडियो शेयर कीती जावे, जां जिहड़े भी लोग इन्हां दे चिराग पाल रहे ने उन्हां नूं ये वीडियो शेयर कीती जावे, तां जो सिख धर्म हमेशा दी तरह उच्चा बनिया रहे अते किसी दा भी कोई जोर ना पवे सिख धर्म दे विरुद्ध बोलण। वीडियो देखण दे लई बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसियां सच्चाईयां घटनावां नूं देखण दे लई चैनल NPR की गोल्डन एनर्जी सबसक्राइब करो। तुहाडा दिन शुभ।